पीयूष जी, अभी चर्चा हो रही थी कि प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र छोड़ के गुजरात जा रहे हैं, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, फडणवीस जी होंगे, बीजेपी की यहाँ पे सरकार होगी एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो उससे महाराष्ट्र को फायदा होगा। ऐसा हुआ कि हाल ही में दो बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से निकल के गुजरात चले गए, वहां पे भी आपकी सरकार है, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार, तो प्रोजेक्ट तो गुजरात जा रहे हैं। देखो, कोई बच्चे ये बात करें तब तक तो समझ में आता है, आप जैसा अनुभवी पत्रकार भी अगर ये बात करें तो बड़ा सर सब लोग लगता है, महाराष्ट्र में जितने लोग हैं बहुत पे तो ये बात हो सकती है, लेकिन मुंबई तो एक आर्थिक नगरी है, आर्थिक कैपिटल है देश का, यहाँ बैठा हर व्यक्ति जानता है कि कोई प्रोजेक्ट 1.5 लाख करोड़ और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट कोई 4 दिन 6 दिन 6 हफ्ते में नहीं तय होते हैं। इसके पीछे लंबी दास्तान होती है, इसके पीछे काफी स्टडी होती है, पॉलिटिकल एटमोस्फियर, स्टेबिलिटी, कंसेशंस, इंसेंटिव्स, और वेरी क्लियरली ऐसे कोई डिसीजन, हम तो खुद बिजनेस वर्ल्ड से आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन, पोलिटिकली, इकोनॉमिकली, वॉट इंसेंटिव्स आर गिवन, एंड हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि उनको रोज रिस्पॉन्ड करें। आप लोग के पास टीआरपी के लिए वो जरूरी है कि उतना कुछ विवाद खड़ा करने की कोशिश करिए, वो आपको मुबारक। आपने कुछ नहीं बोला, फोकसिंग ऑन आवर वर्क। एक ही मैं नरेटिव फैक्ट्री कितने एक्टिव हो गई थी कि एक प्रोजेक्ट जो एक साल पहले हैदराबाद में चालू हो गया था, मतलब जब वो एमबीए की सरकार आई तब महाराष्ट्र में आकर देख कर गए, फिर उन्होंने हैदराबाद जाने का फैसला किया, पूरा सारा उसका डेडलाइन जो है वो सारा एमबीए के गवर्नमेंट में वो शुरू भी हो गया है हैदराबाद में, और एक चैनल ने दिखाना शुरू किया कि ये भी चला गया, फिर दूसरे ने चालू किया, फिर प्रिंट मीडिया ने चालू किया, फिर सब ने ये चालू किया, आखिर मुझे वो जो शायद फ्रेंच कंपनी है, उनके जो फ्रेंच कंपनी के मालिक है उनका ट्वीट दिखाना पड़ा कि जिसमें वो बता रहे 2021 में कि हमारी फैक्ट्री शुरू हो गई है। तो ये नरेटिव बिल्डिंग का काम होता है, लेकिन इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र को का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 2015 से यानी 14 से हम लोग आए, 14 के अंत में आए, 15 से लेकर 19 तक 4 साल महाराष्ट्र ये नंबर वन था FDI में, और कितना नंबर वन था, तो हमारे पीछे के गुजरात, तमिलनाडु, उसके बाद दिल्ली और कर्नाटका, ये चारों स्टेट मिलाकर जितना FDI उनके पास था उससे 1.5 गुना अकेले महाराष्ट्र में था। तो इसलिए महाराष्ट्र को कोई पीछे नहीं ले जा सकता। लेकिन बात परसेप्शन की है। एक मिनट सर, आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां MNCs भारत की तरफ देख रही हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया है, जिस प्रकार से स्टेबिलिटी आई है, डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल, क्लियरली द वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। वो देखते हैं कि कई देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ उनको डर भी लगता है, पता नहीं रात को कब डिसअपियर हो जाए करोड़पति आदमी भी, तो भारत की तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही एक CEO फोरम परसों और कल दिल्ली में हुआ, प्रमुख देश है जो लड़ाई लड़ना चाहते हैं हमारे उत्तरी नेबर के साथ भी, उसके टॉप CEOs आए थे। तो मैंने उन लोग को पूछा कि आप लोग कोई एक प्रोजेक्ट की बात हो रही थी, आपने महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा वहां पे इतनी तकलीफ थी, कोई बिजनेस करने का मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा मजा में व्हाट डू यू काउंट एज मजा, एंड दे आर्टिकुलेटेड 3-4 थिंग्स। ए, दे सेड के यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, बी वेरी हाई लेवल ऑफ करप्शन था, सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। तुम एक पार्टी के एक मंत्री से कुछ तय कर लो तो दूसरी पार्टी का मंत्री बोलेगा मेरा हिस्सा कहाँ है, तो हिस्सेदारी बांटने में ये तीन जो जुटे हुए थे उसमें महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, अब देवेंद्र जी को डबल स्पीड पे काम करके इसको मेकअप करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन की एक बात होती है पीयूष जी, आपने कहा कि ठीक है कि ऐसे कोई अचानक कोई प्रोजेक्ट जाता नहीं है, बहुत दिनों से काम चलता है, लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि सारे स्टेट उसके लिए झगड़ा करेंगे, और जहां पर चुनाव होने जाने वाला होगा वहां पर सबसे ज्यादा इस पर सवाल उठाए जाएंगे। हम तो वेलकम करते हैं, हमारी सरकार ने 2014 से आज तक
लगातार कहा है कि वी बिलीव इन कंपेटिटिव फेडरलिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हम तो समझते हैं कि अगर देश के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस कंपटीशन में लगेंगे तभी जाके देश आगे बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा स्टेट्स के बीच में स्पर्धा होगी और हम इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करके यहाँ पे प्रमोट करेंगे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री, उतना अच्छा रहेगा। रही बात नैरेटिव की, उसके लिए सलिल तुम्हारे को और राहुल की जरूरत है, आपके पास और एंकर्स हैं जो बहुत कोशिश करते हैं कि नैरेटिव बनाए मोदी जी के खिलाफ, दिन रात कोशिश करते हैं, मेडिसन स्क्वायर तक जाके कोशिश कर लेते हैं कि मोदी जी के लिए कुछ तो बुरा बोलो, लेकिन दुर्भाग्य से देश ने नैरेटिव बना लिया है, मोदी जी के पक्ष में बना लिया है, मोदी जी के ऊपर आज देश पूरा विश्वास करते हैं। वो नैरेटिव बनाने के लिए आप जरा कोशिश थोड़ी और तीव्र करिए, उसमें भी हमें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। एक इसमें एक जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं कि ये बिजनेस बाहर गया वो बाहर गया, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का, रिफाइनरी के रूप में महाराष्ट्र में आ रहा था, ग्रीन रिफाइनरी, जो आज तक सिंगल इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी हुआ नहीं था। और फॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टमेंट में 60% हिस्सा सरकारी कंपनियों का था। ऐसे इन्वेस्टमेंट को आने नहीं दिया गया, उसका विरोध किया, उसको रोका और सरकार के जाने के बाद तो उसको खत्म किया। ऐसे लोग अब हमको बता रहे कि ये इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है। अगर वो अकेला इन्वेस्टमेंट आता ना तो दो साल में जितने बाकी सारे राज्यों में इन्वेस्टमेंट होता है, दो साल का उनका इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट में आ रहा था। तो इसलिए इनको अधिकार नहीं है बोलने का। इसकी डिटेल दे दूं, दिस वाज 60 मिलियन टन रिफाइनिंग फैसिलिटी, आज पूरे विश्व में एक भी नहीं है इस साइज की, नॉट अ सिंगल रिफाइनर हुआ है 60 मिलियन टन एट वन प्लेस। सऊदी अरेबिया और भारत इसके पीछे बड़ी कश्मकश करके, खासतौर पर MBS और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते इतने अच्छे होने के कारण उन्होंने कमिट किया कि हम 100 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8 लाख करोड़ भारत में निवेश करना चाहते हैं। उसके हिसाब से वो डिजाइन की गई थी, सब कुछ तय हो गया था जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र जी और ये सरकार ने आके अड़ंगे डाले, पूरा प्रोजेक्ट खराब किया। अब मैंने जाके रिट्रीव किया है, 14 तारीख को जब वो लोग आएंगे तो उसको हम रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल के अनुभव से अब वो अभी भी डरते हैं ये बोलने के लिए कि यहाँ पे हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें।